According to a survey, percentage of working women in India, it has decreased from 36% to 24% in the last 10 years. Well, that's new. Let's talk about that today. Welcome to another episode of FemFridays. I'm Richa. I and my husband Jatin, we make videos on this channel every Wednesday and Friday. And we talk about love and relationships, and we are just trying to help you create a happy relationship. So if you are interested, please subscribe. कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा था कि आजकल वुमेन शादी के बाद काम करना प्रेफर नहीं कर रही क्योंकि वो अपनी फैमिली अपनी शादी को टाइम देना चाहती हैं. यू नो व्हाट, व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और उस टाइम पे प्लेसमेंट सीजन चल रहा था. तो शादी के जस्ट बाद ही इंटरव्यूज की कॉल्स आने लगी. मैं इतनी कंफ्यूज थी कि इंटरव्यूज के लिए जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाता तो आई नो इमीडिएटली ज्वाइन करने को बोला जाता. और उस टाइम पे शादी को 15 दिन भी नहीं हुए थे. आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड. आई टॉक टू जतिन एंड फाइनली डिसाइडेड कि इंटरव्यू तो दे देती हूँ, बाद में देखा जाएगा कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है. सो आई सैट फॉर माई फर्स्ट इंटरव्यू और सिलेक्शन हो गया. एंड देन माई कन्फ्यूजन स्टार्टेड. सिंस आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम और कंपनी घर से काफ़ी दूर थी, अगर मैं ज्वाइन कर लेती तो मैं सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में होती और नई फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड करती, और अगर ज्वाइन नहीं करती तो पता नहीं नेक्स्ट प्लेसमेंट कब होती, कब नहीं होती, कहाँ होती. आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड. सिलेक्शन होने के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मैंने अपना एक कन्फ्यूजन अपनी एक मैम के साथ शेयर किया और उन्होंने मुझे समझाया कि रिचा, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ज्वाइन कर लो. इससे क्या होता है, आपकी नई फैमिली में आपको आपके हस्बैंड से कम नहीं समझा जाता. यू गेट मोर रिस्पेक्ट इन द फैमिली, यू हैव अ वॉइस इन द न्यू होम, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉन्ट्रीब्यूट फिनेंशियली टू द न्यू फैमिली. मोर ओवर, आप घर से बाहर निकलते हो, यू मीट न्यू पीपल, यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. अदरवाइज विल बी एक्सपेक्टेड टू गेट रेडी लाइक अ न्यू बहू एंड कुक फॉर एवरी वन एंड सर्व ऑल द गेस्ट जो शादी के बाद आपसे मिलने आते हैं. और कुछ टाइम के बाद जब आपकी नई फैमिली को ये लगता है दैट यू डोंट हैव हाई करियर एस्पिरेशंस, देन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ चाइल्ड. नाउ आई वॉज मोर कन्फ्यूज्ड एंड स्केयर्ड टू. But then I decided to join the company. I joined it and realized that it was a very good decision on my part. वैसे तो it's completely your choice, your decision whether you want to work after marriage or not. But I feel that every woman should work after marriage. It not only makes you more independent, but it increases your self-worth. You can take part in the financial discussions at home. कभी आपके parents को ज़रूरत पड़ी financially, आप उनकी हेल्प कर सकते हो और आपको उसके लिए किसी के कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होगी बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर मनी. एंड इट हर्ट्स रियली बैड व्हेन यू नीड मनी फॉर समथिंग एंड द अदर पर्सन आस्क्स यू व्हाई, फिर चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो. वैसे तो आजकल एवरीबॉडी इज ओके टू हैव अ वर्किंग वाइफ और अ वर्किंग बहू, बट शादी के बाद इट्स योर हस्बैंड और योर न्यू फैमिली डिसाइड्स कि आपको किस टाइप की जॉब करनी चाहिए, आपकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, ऑफिस घर से कितनी दूर हो सकता है. यू आर अलाउड टू वर्क बट यू कैन नॉट इग्नोर योर हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और ये सब आपको इस तरह से बोला जाता है कि इफ़ यू डिसाइड टू जॉइन समथिंग ऑफ योर चॉइस तो आपको ही गिल्ट फील होने लगता है. योर करियर इज नॉट सीन एज अ प्रायोरिटी. आपकी वैल्यू होती है कि आप घर के काम कितने अच्छे से निभाते हो, ना कि आप अपने करियर में कितने सफल हो. पर आप एक बात सोच के देखो, आपके आने से पहले भी तो घर का काम चलता था ना, और शादी होने के बाद घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही के ऊपर क्यों है. सो लेडीज, डिस्कस दिस विद योर पार्टनर और विद योर न्यू फैमिली इन डिटेल बिफोर योर मैरिज. समटाइम्स वी क्विट आवर वर्क सो दैट वी कैन गिव मोर टाइम टू आवर किड्स, बट इफ यू आर वर्किंग यू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर किड्स आईज. दे लुक अप टू यू, दे वैल्यू यू, दे रिस्पेक्ट यू इवन मोर for balancing your work and your family so well. I mean, you become their role model. Moreover, when your kids grow up and everybody gets occupied in their life, you can have some fun time outside your four walls. Plus, when you meet new people, you learn new things. You see things from a different angle. फिर वो चाहे घर की चीज़ों से रिलेटेड हो या फिर पेरेंटिंग से या मैरिज से. और वैसे भी लाइफ में कुछ सर्टेन नहीं होता. गॉड फॉरबिड आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए या फिर कुछ सालों के बाद यू स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड इन योर मैरिज, व्हाट वुड यू डू इन दैट केस? विल यू एक्सेप्ट योर लाइफ लाइक दैट और विल यू गो बैक टू योर पेरेंट्स हाउस? व्हाट इफ दे डोंट अलाउ यू टू कम बैक टू देयर हाउस?
What if they keep telling you to make your marriage work when you know yourself that your marriage is dead? ऐसे सिचुएशन में यू गेट स्टक इन योर टॉक्सिक रिलेशनशिप. आपका रहना और निकलना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाता है. बट इफ यू आर वर्किंग, यू कैन टेक अ कॉल ऑन योर ओन बिकॉज यू नो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो लेडीज, नो बडी कैन हेल्प यू इफ यू डोंट स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड डिसाइड वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. द स्ट्रेंथ लाइज इन यू, सो चूज वॉट यू वॉन्ट.